प्रदीप चावड़ा और एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल चावड़ा इंग्लिश एंड स्किल्स में। तो आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं और हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल्स, विराम चिन्हों का प्रयोग और कैपिटल्स लेटर्स। जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे भाव को प्रकट करने के लिए रुकते हैं, हमें रुकना पड़ता है। उसी तरह हमें लिखावट में पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करना पड़ता है ताकि पाठक उसे पूरी तरह से समझ सके। हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग इसलिए भी करते हैं कि हम हमारी अभिव्यक्ति व स्पष्टता को पूरी तरह से दर्शा सके। तो यहां पर पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं, आइए हम इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार के ये मार्क होते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है फुल स्टॉप, तो इस तरह का मार्क का हम लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क, जब हम प्रश्न करते हैं तो इस तरह का मार्क लगाते हैं। जब हम भाव प्रकट करते हैं शब्दों में या वाक्यों में तो हम इस प्रकार का मार्क लगाते हैं। हम कॉमा का प्रयोग करते हैं तो हम इस तरह का मार्क, एपोस्ट्रोफी ऊपर की ओर कॉमा हम प्रयोग करते हैं, कॉलन हम इस तरह का मार्क हम लगाते हैं वाक्यों में, सेमी कॉलन हम इस तरह का मार्क, हाइफन डैश ब्रैकेट्स, तीन तरह के होते हैं, ये राउंड ब्रैकेट्स होता है और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और तीसरा होता है मैथमेटिक्स के लिए हम यूज करते हैं इसको, इस तरह का ब्रैकेट्स। वह यहां पर कैपिटल है, ये देखिए कैपिटल लेटर्स। आइए अब हम इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं, किस तरह से लगाते हैं वाक्यों में। फुल स्टॉप, तो यहां पर स्टेटमेंट जो वाक्य होता है जिसमें क्या बोला गया है, तो यह बोला गया है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह ईमानदार आदमी है। तो ये होता है स्टेटमेंट। यहां पर ये फुल स्टॉप, उसी तरह से राम आ रहा है तो राम इज कमिंग। जो भी हम वाक्य में बोलते हैं, जो भी कथन देते हैं, उसके बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। वह इंपरेटिव सेंटेंसेस, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, यहां पर भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। डोंट गो देयर, वहां पर मत जाओ। इनडायरेक्ट, जब हम सेंटेंस तैयार करते हैं तब भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी That he would go, इस तरह का sentence
होता है इनडायरेक्ट में हम प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप का। आइए और हम देखते हैं कि कहां पर हम प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप। हम एब्रिविएशन मींस लघु रूप के लिए हम प्रयोग करते हैं। एमए एडमिशन को दर्शाने के लिए या डेजिग्नेशन एमएलए जब हम नाम लिखते हैं नाम को एब्रिविएट करते हैं एम के शर्मा। जब हम रुपीस मीन्स रुपए और पैसे में हम अंतर बताते हैं तो उस समय भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ₹10.55 हम समय को बताते हैं घंटे और मिनट्स में तो वहां पर भी हम प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप का इस तरह से 7:30 AM। AM और PM को लिखते हैं तो वहां पर भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम फुल स्टॉप का प्रयोग कोई सा वाक्य जो एब्रिविएशन से खत्म हुआ हो जैसे ही इज एन एम ए यहां पर डबल हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा वाक्य जो बीच में कुछ शब्दों में विलुप्तता हो जैसे ही विल टॉक टू तो यहां पर हम तीन प्रयोग करते हैं ही विल टॉक टू यहां पर फुल स्टॉप एट 7:00 लेकिन जब यदि वाक्य में कोई शब्द की विलुप्तता हो तो वहां पर हम तीन की जगह चार फुल स्टॉप का प्रयोग का चार मार्क का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ही विल टॉक टू राम अबाउट यहां पर शब्द नहीं दर्शाया जा रहा है तो यहां पर हम चार फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम फुल स्टॉप का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। हम तारीख को बताने के लिए भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस तरह से तारीख यदि हमें लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये देखा आपने फुल स्टॉप का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। ये याद रखिएगा स्टेटमेंट इंपरेटिव सेंटेंस में और इनडायरेक्ट में तो हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मार्क। जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न निम्नलिखित तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन मार्क। जब हम हेल्पिंग वर्ब से यस और नो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उनका आंसर जाता है हां और ना में। डू यू लाइक मी क्या तुम मुझे पसंद करते हो तो इसका आंसर जाता है
हाँ और ना में, यस एंड नो। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं? यहां पर क्वेश्चन मार्क करने डब्ल्यू एच वर्ड्स से जब हम क्वेश्चन करते हैं, मीन्स व्हाट इज दिस, यहां क्या है, वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है, तो यहां पर हमने देखा डब्ल्यू एच एंड यस और नो तरह के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं वैकल्पिक अल्टरनेटिव, जिसमें विकल्प दिया जाता है। आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं। डू यू लाइक और नॉट, तुम पसंद करते हो या नहीं। इस तरह के अल्टरनेटिव प्रश्न होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मार्क को। यहां पर अल्टरनेटिव हमने बता दिया, हेल्पिंग वर्ड से हमने जो बना है वो बता दिया। अब हम क्वेश्चन टैग मीन्स पूछेगा, इस तरह का हम प्रयोग करते हैं। ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वह स्टूडेंट नहीं है, क्या है, तो इज ही लाइक्स, वह पसंद करता है, क्या नहीं करता, doesn't he, टेक क्वेश्चन बोलते हैं इन्हें। एक वाक्य जिसमें अनिश्चितता व शंका होती है, इस तरह का he is a good boy, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। इट मीन्स यहां पर अनिश्चितता है या डाउट है कि है या नहीं है, तो इस तरह का हम प्रयोग करते हैं क्वेश्चन मार्क में इस प्रश्न को पूछने के लिए। नाउ हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये लगाए जाते हैं भाव प्रकट करने के लिए। भाव प्रकट हो, दुख प्रकट हो, आश्चर्य हो, तो यहां पर ये वाला चिन्ह हम लगाते हैं। नाउ ये शब्दों और वाक्यों में दोनों जगह प्रयोग होते हैं। पहले हम शब्द देखते हैं, किसी प्रकार ऐसा वाक्य का शब्द जिसमें तारीफ की गई हो, ब्यूटीफुल, भाव प्रकट हो, तो यहां पर सुपर, नाइस, इंटरजेक्शन वर्ड्स वाओ, हाय, हेलो, प्रबल इच्छा वाले सेंटेंस जैसे स्टॉप, स्टॉप इट, गेट आउट, यदि हमें बोलना है गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, इन सभी शब्दों में हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जब हम वाक्य बनाते हैं, हाउ हैंडसम ही इज, वह कितना हैंडसम है, हाउ
अच्छा या व्हाट अ लवली बॉय, कितना प्यारा लड़का है, या फिर व्हाट अ बुक, क्या किताब है, इस तरह हम इन आमाप का प्रयोग करते हैं। उसी तरह कामना, मैं गॉड ब्लेस यू, या यू मैं लिव लॉन्ग, मै यू लिव लॉन्ग, इस तरह के वाक्यों में हम जिसमें कामना करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से तीन पंक्चुएशन मार्क्स को देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे वाले पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे, और इसी प्रकार आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।